नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का दस सूत्र के इस स्पेशल प्रोग्राम में जिसका नाम है लड़की हूँ कर सकती हूँ। और हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने निशी भार्गव। हमारे साथ मौजूद है तन्वी महेश्वरी जो कि काफ़ी मशहूर नाम है भोपाल में। शी इज़ अ यंग एंटरप्रेन्योर एंड शी इज़ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ फैशन डिजाइनिंग। अपने अंदर की काबिलियत को पहचानिए, फिर जोश और जज्बे को सही दिशा में लगा दें। शोहरत और सफलता अपने आप आपके कदम चूमेगी। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हमारी आज की खास मेहमान तन्वीर महेश्वरी ने, जिन्होंने बेंगलोर से इंजीनियरिंग करने के बावजूद फैशन डिजाइनिंग को अपना करियर बनाया और आज वे हैं राजधानी भोपाल का एक जाना पहचाना नाम। बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले हम तन्वी का मॉर्निंग सेशन आपको दिखाना चाहते हैं। तो इस वक्त है हम तन्वी महेश्वरी के मॉर्निंग सेशन में और हमारे साथ मौजूद है तन्वी, उनसे बात करते हैं। तन्वी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शुरुआत दिन की कितने बजे उठती हैं एग्जैक्टली? सच्चाई बतानी है। आई गेट अप एट 6:30 एंड आई स्टार्ट माई डे लाइक विद अ ग्लास ऑफ वाटर, वार्म वाटर, एंड देन मैं अपना क्रॉसफिट एंड जिम सेशन के लिए जाती हूँ विच इज़ ऑलमोस्ट फॉर लाइक 1.5 आवर। Then I come back home, get ready for work. Tanvi, mama's girl hai ya daddy's girl hai? Well, with the tattoo that I have, that says daddy's angel. But then I would say I'm equally close to both of them. Equally close. Acha, thoda sa apni life ke baare mein describe kariye, short mein bataiye. I would say I am very blessed to have a family and parents that I have. मुझे बचपन से मतलब जो भी करने की इच्छा रही है, मेरे parents ने, मेरी पूरी family ने मुझे हमेशा support किया है. If you remember around 2010 के आसपास थ्री इडियट्स मूवी आई थी, वी ऑल रिमेम्बर। सो माय फादर एक्चुअली गॉट रियली इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट मूवी एंड आई रिमेंबर हिम कॉलिंग मी वन डे एंड ही इज लाइक, यू नो बेटा आप इंजीनियरिंग छोड़ दो, अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो डू व्हाट यू वांट टू डू। सो व्हाट वाज योर रिएक्शन एट दैट टाइम? आई वाज लाइक पापा नाउ दिस वी हैव स्टार्टेड आई वांट टू नो। That time father called you that बेटा तुम्हें जो करना है वो कर लो, तो आपने I was a bit surprised कि मैं proper typical dramatic घर में रहती हूँ, like थोड़ी Bollywood family है हमारी। Okay. So yeah, but then I was very happy, like you know he has always been very very supportive for whatever I wanted to do, and at the same time he's a concerned parent also. He want the best for me. So I told him papa let me finish this, let me see how this goes and then उसके बाद we'll have a discussion again. तो ये था तन्वी का मॉर्निंग सेशन जहां हमने उनसे छोटी छोटी बातों पर चर्चा की और इस वक्त हम मौजूद हैं तन्वी के घर में और आगे की बातचीत हम उनसे यही करने वाले हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी तन्वी का। वेलकम तन्वी। हेलो, थैंक यू। तन्वी, मैंने आपको एड्रेस ही किया है दैट यू आर अ यंग एंटरप्रेन्योर। लग रही हैं आप काफ़ी सुंदर, लग रही हैं बेहद खूबसूरत। फैशन डिज़ाइनिंग एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जिसको लेकर लोग अवेयर नहीं है, बिल्कुल भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है उनको। तो ऐसे फिर लोगों को प्रेजेंट कर पाना, उनको समझा पाना अपनी बात को, कितना मुश्किल लगता है? सो बेसिकली जब मैंने भोपाल में अपना खुद का काम स्टार्ट किया था, सो यहाँ के लोगों के लिए आई डू बेसिकली कस्टमाइज डिजाइनिंग पे मैं काम करती हूँ। तो जब मैंने भोपाल में शुरू किया था, यहाँ पे बहुत छोटे बुटीक कॉन्सेप्ट्स हैं, रेगुलर रिटेल स्टोर्स हैं आपके, तो लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता। तो मेरे पास जो भी आता था मुझसे पूछता था आप बॉम्बे या दिल्ली से आई हैं क्या, बिकॉज उनने ये चीज़ यहाँ पे नहीं देखी थी। तो तब मैंने उनको ये समझाया कि आप, जैसे मेरी टैगलाइन है यू ड्रीम इट वी मेक इट, मतलब आप जैसा चाहते हैं हम आपके हिसाब से पूरा आपके लिए बना के देंगे। आपको सिर्फ हमें बताना है कि आपका क्या ओकेशन है, क्या पर्पस है, एंड उसके आगे हमारी पूरी टीम उसके अकॉर्डिंगली वर्क करके आपको करेगी। तो स्टार्टिंग में काफ़ी डिफिकल्ट था बिकॉज ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं था। मेट्रोज में काफ़ी कॉमन है कस्टमाइज डिजाइनिंग, इसलिए वहाँ पे पीपल आर फेमिलियर। बट यहाँ पे आई वुड से प्राउडली इन लास्ट इट्स बिन ऑलमोस्ट 4 ईयर्स दैट आई हैव बिन डूइंग। तो लास्ट 4 सालों मैंने ये ग्रो होते हुए देखा है और डिजाइनर्स को आते हुए देखा है। But I'm kind of proud and happy कि I was one of the first ones to start this concept in my own hometown, Bhopal city. Bangalore रही आप, engineering की आपने, Bangalore से Bhopal turn लेना, तो वो कैसा रहा? So basically I would say इसमें सबसे बड़ा जो मुझे support मिला है मेरे अपने दोनों parents का मिला है मुझे। मतलब जब मैं इंजीनियरिंग भी करने गई थी तो मैंने उनसे गाइडेंस लिया था, उनके समझ के ऊपर ही मैं वहाँ पे गई थी। जब मुझे फैशन डिजाइनिंग के लिए मोटिवेट करना था तो मेरे फादर और मदर ने ही मुझे मोटिवेट भी किया और उनने मुझे रास्ता दिखाया कि व्हाई डोंट यू ट्राई दिस, क्योंकि आपको ये पसंद है right. तो आप करिए। फिर मैंने अपनी बैंगलोर से फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करी, मैंने कुछ फेमस डिजाइनर्स के साथ काम किया, सीखा, एंड देन मैं उनके पास घर आ गई
और जब मैं आई तो मेरे मॉम डैड ने मुझे बिल्कुल लाइक यू नो एक वेलकमिंग प्लेटफॉर्म दिया कि अब आप जो करना चाहते हैं हमारा पूरा सपोर्ट है आपके पास. एंड मैं आपको 100% गारंटी से बोल सकती हूँ कि अगर आपके पास पेरेंट्स का सपोर्ट है आपको उससे बढ़ के कुछ भी चीज़ नहीं चाहिए, पैसा भी नहीं चाहिए. फैमिली सपोर्ट होता है तो आपको एक मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, आपको पता होता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है तो आप कोई भी चीज कर सकते हैं. अच्छा, सो आई एम ब्लेस्ड टू हैव माय मॉम एंड डैड. ओके, तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट, आपको सच्चाई से जवाब देना है अगले सवाल का. मेरे वैसे एक लड़की की एज नहीं पूछनी चाहिए लेकिन मेरा अगला सवाल उसी से रिलेटेड है इसलिए मैं पूछूंगी, एज क्या है आपकी? आई एम 31 इयर्स ओल्ड. सो आर यू मैरिड और सिंगल? आई एम सिंगल. तो आर यू थिंकिंग टू गेट मिंगल और गेट मैरिड और व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर योर पर्सनल लाइफ? प्रोफेशन तो हो गया, आप पर्सनल लाइफ से आपका क्या? सो आई एम इन एन अरेंज मैरिज प्रोसेस जो कि आज की जनरेशन के और आज के टाइम में लोगों को थोड़ा सा शॉकिंग लगता है कि आप अरेंज मैरिज प्रोसेस में कैसे हैं. बट आई हैव ऑलवेज बीन विद दैट माइंडसेट कि मैं अरेंज मैरिज ही करना चाहती हूँ. मेरे पेरेंट्स किसी को ढूंढ के मिलवाएंगे. कोई खास वजह अरेंज मैरिज करने की? नहीं, कोई खास वजह नहीं. मुझे पता था दैट वुड मेक माई पेरेंट्स वेरी हैप्पी एंड आई वॉज मच मोर फोकस्ड ऑन डेवलपिंग माई ओन करियर, माई ओन सेल्फ एंड जस्ट एंजॉइंग लाइफ एज इट वॉज कमिंग. सो मैंने ये टेंशन मम्मी पापा भी देखी. माहौल कैसा है फैमिली के अंदर? यू टोल्ड मी इन द मॉर्निंग दैट यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली. आई लिव इन अ जॉइंट फैमिली. सो सबकी कभी ना कभी कोई ना कोई हमेशा अवेलेबल रहता है. व्हेनेवर यू आर देयर फॉर मील्स, खाना खाने के टाइम पे आप आ रहे जा रहे हैं. उसके अलावा माय मॉम शी इज अ होम मेकर. तो आई एम वेरी लकी कि हमें जब भी जरूरत होगी मम्मी हमेशा उन्हें सब छोड़ छाड़ के अपने बच्चों के लिए अवेलेबल रहेंगे. तो मैं नॉर्मली लंच अपनी मदर के साथ करना प्रेफर करती हूँ. डिनर टाइम पे भी मेक इट अ पॉइंट कि मैं मम्मी पापा और घर के जितने लोग अवेलेबल हो हम लोग साथ में डिनर करें. एंड जहाँ मेरा ऑफिस है इट इज इन द सेम बिल्डिंग, मेरे फैमिली का ही बिल्डिंग है वो. right. तो उसमें आई हैव टेकन ओवर वन फ्लोर. तो मुझे काफी कन्वीनियंट होता है कि मुझे अपने कोई भी डिस्कशंस करने होते हैं, कोई भी चीज कन्वीनियंट करनी होती है तो मेरे फादर इज अवेलेबल इन द सेम. अच्छा, आपने मुझे एक चीज बताई थी कि वी टॉक ऑन मेल, यानी कि मुझे मेरे पापा से बात करनी होती है तो मैं मेल का सहारा लेके बात करती हूँ. तो उसको थोड़ा एलैबोरेट करके समझाइए. So, जब भी कोई मुझे अपने पापा से बिजनेस रिलेटेड या प्रोफेशनल बातें करनी होती है तो मेरे फादर का बहुत ज्यादा पसंद है कि हम उसको प्रोफेशनल तरीके से रखें बिकॉज मैं अपना बिजनेस देखती हूँ वो उनका देखते हैं. तो मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा गाइडेंस दी बट कभी उनकी तरफ से कोई इंटरफेरेंस नहीं रहा है. सो मुझे कुछ भी उनसे पूछना है बताना है सो ही प्रेफर्स कि आप प्रोफेशनल रखिए. डू नॉट ब्रिंग योर पर्सनल लाइफ. आप मेरे पास ऐसे मत आइए कि आप मेरी डॉटर हैं. आप ऐसे ही कि आप किसी प्रोफेशनल के पास हेल्प लेने जा रही हैं तो आप ऐसे तो नहीं पहुंचेंगी. राइट. फॉर योर वर्क रिलेटेड आपको उनका आपका बैकग्राउंड देना पड़ेगा, चीजें बतानी पड़ेंगी. तो आप सारी चीजें ईमेल पर डालिए और मुझे उसमें मेंशन करिए कि दिस इज द टाइम यू वांट टू हैव डिस्कशन. आई विल रीड द ईमेल, आई विल रिवर्ट बैक टू यू, देन वी कैन हैव अ मीटिंग. आई एम लकी मैं उनसे किसी भी बारे में बात कर सकती हूँ. जो एक दोस्त से आप कर सकते हो और अपने मम्मी पापा से बात कर सकते. पूरे टोटल फैमिली मेंबर्स कितने हैं आपकी फैमिली में इंक्लूडिंग मी? 12 लोग. 12 लोगों में सबसे अच्छी बॉन्डिंग आपकी किसके साथ है जिससे यू थिंक कि यस दिस इज द राइट पर्सन? लाइक मी आई थिंक कि मुझे अगर अप्रोच करनी है तो आई विल रश टू माय मदर. She'll convey directly my message to my father and he'll get confessed. तो आप किस पैनल का यूज करती हैं कि ये ही इज द राइट पर्सन, यहाँ क्लिक करें? सो आप जब ज्वाइंट फैमिली में रहते हो तो आपके एडवांटेज है. हर चीज के लिए आपको पता है अलग अलग लोग आते हैं, सूटेबल वंस. जनरली इट्स इधर मम्मी या पापा डिपेंडिंग ऑन देयर अवेलेबिलिटी. बट मेरा कंफर्ट लेवल दोनों के साथ इक्वल है. तो मुझे वो नहीं रहता है कि मैं मम्मी को ही बोल सकती हूँ या पापा को ही बोल सकती हूँ. बट कुछ चीजें होती है जहाँ पे अपने भाई बहनों के पास पहले जाना चाहते हो या अपने अंकल आंटीज के पास पहले जाना चाहते हो. जी. तो दैट मींस आई एम लकी मेरे पास 11 लोग हैं. तो मैं जो टॉपिक जिसके हिसाब से मुझे पता सूट मुझे करता है करेगा मैं उसके पास चली जाए. मतलब आप अपना फायदा देखते हैं जिससे ये व्यक्ति सही है इनके पास इज द राइट जो मुझे बेटर उस टाइम पे हेल्प कर पाए या गाइड कर पाए. ओके, तो हाउ मेनी सिबलिंग्स यू आर हैविंग? मींस कितने भाई बहन है सभी को मिला के? तो हम लोग 6 भाई बहन है. मैं सबसे बड़ी सिस्टर हूँ, मेरा छोटा भाई है, देन मेरे और 2 छोटे सिस्टर्स हैं, फिर एक और छोटी सिस्टर एंड एक छोटा भाई. शादी के बारे में आपका क्या ख्याल है जिससे सबसे ज्यादा चिढ़ होती है, मतलब क्या ख्याल है आपका? नहीं नहीं, मेरे को बिल्कुल चिढ़ नहीं है. आई हैव ऑलवेज बीन द पर्सन जिसको शादी करनी थी और अरेंज मैरिज प्रोसेस ही करनी थी. सो माय फैमिली इज इन द प्रोसेस, वो देख रहे हैं, मिलते हैं, मुझे मिलाते हैं. And I am genuinely excited to get married. But it is in the destiny ki jab hoga tab hoga. But I am happily in the. क्योंकि आप fashion designer हैं तो you are creative. तो you are thinking that मेरी एक destination wedding होनी चाहिए कि yes मैं एक ideal हूँ कि हाँ वो तन्वीर ऐसा करना है, वो तन्वीर ऐसा. उसके लिए भी आप कितना excited हैं? बहुत. आप तो एक लड़की अब समझ सकती हैं, हर लड़की. आई मीन हाँ, दैट इज अ गुड पॉइंट. मतलब वो 2 दिन इनके सेलिब्रिटी तो आप ही होते हो, तो why not take advantage of that? अच्छा, life partner कैसा चाहिए तन्वी को? लाइफ पार्टनर ऐसा जो कि फर्स्ट रिक्वायरमेंट मेरे पेरेंट्स को अपने पेरेंट्स की तरह समझे,
जो ये समझे कि हम दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं एंड एक दूसरे को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के ओपिनियंस को समझे, रिस्पेक्ट करें. एंड आई थिंक जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो कोई भी चीज़ खुल के. विजन क्या है? आपने तन्वी महेश्वरी लेबल करके अपना ये जो वेंचर आप चला रहे हैं, तन्वी महेश्वरी लेबल ही नाम आपने क्यों रखा? कोई अलग नाम क्यों नहीं रखा, फंकी टाइप अलग? बिकॉज माई ब्रांड इज माई इमेज, माई आइडेंटिटी. सो आई वॉन्ट पीपल टू नो कि जब वो तन्वी महेश्वरी के डिजाइन देखे तो दैट रिफ्लेक्ट्स मी. सो मैं अपने ही नाम से अपना ब्रांड करना चाहती थी हमेशा से. ठीक है. एंड जहाँ तक रहा सवाल कि आप देखिए जितने भी टॉप एंड डिजाइनर्स हैं, लाइक जैसे आप सब्यसाची ले ले, मनीष मल्होत्रा ले ले, अनीता डोंगरे एक्सेट्रा, वी हैव लॉट ऑफ रियली गुड डिजाइनर्स इन द कंट्री. सो ये सबका उनके नाम से लेबल है. तो मैं बचपन से काफी इंस्पायर्ड रही हूँ कि व्हेन आई मेक माय ओन ब्रांड तो लोग मुझे मेरे नाम से जाने. आज जो मुझे थोड़ा बहुत भी लोग जानते हैं, व्हेन आई गो समवेयर एंड आई टेल माय नेम और कोई बोलता है तो मुझे दिल से खुशी होती है कि ये मुझे रिलेट कर पा रहे हैं मेरे काम से. अच्छा, हमारे प्रोग्राम का नाम है लड़की हूँ कर सकती हूँ, तो लड़कियों की बात हम करेंगे. वुमेन एम्पावरमेंट पे आपका क्या विजन है? मतलब मजबूती से आप क्या सोचती, स्ट्रांगली यू डिजायर, क्या सोचती हैं? आई थिंक आज की जनरेशन में वे लकी कि हमारे पास इतना एक्सपोजर है, हमारे पास चांस है, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़की हैं तो नहीं कर सकते या हम लड़की हैं तो हमें घर भी संभालना पड़ेगा. आप एक लड़की हैं, दैट इटसेल्फ इज अ गॉड गिफ्ट. आपको भगवान ने इतना पावर दिया कि आप घर भी संभाल सकती हैं और आप अपनी फील्ड में एक्सेल भी कर सकती हैं. ये सिर्फ आपकी सोच की बात है और साथ में अगर आपको अपना थोड़ा फैमिली सपोर्ट मिल जाए तो इट्स इवन बेटर. बट अगर नहीं भी मिलता है तो भी अगर अपने आप विल पावर को स्ट्रांग रखेंगी और आप कुछ करना चाहती हैं, आप दोनों चीज में बहुत अच्छा कर सकती. अच्छा, इस समय बहुत सारे व्यूअर्स आपको देख रहे हैं, हो सकता है कि तन्वी आप उनके लिए आइडियल हो, कहीं ना कहीं से आपको फॉलो कर रही हूँ. बट एक कंफ्यूजन होता है ना फैशन डिजाइनिंग में लेकर कि स्कोप है या नहीं है. सो अगर सबसे पहले आप अपने पैशन को जाने, आप समझिए कि आपको क्यों वो चीज करना है या क्यों वो इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं. उसके बाद मैं आपको सच में अगर बताऊं तो आज से 10 साल पहले मैं भी बोलती कि शायद फैशन में कुछ अश्योरिटी नहीं है. बट आज हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, हमारी कंट्री इतनी डेवलप हो गई है और हमारे पास इतने सारे उसमें अलग अलग पोर्टफोलियोज खुल गए हैं कि आपको फैशन डिजाइनिंग में एक इंजीनियरिंग से ज्यादा स्कोप है आज के डेट में. आई एम एन इंजीनियर और मैं आपको प्राउडली बोल सकती हूँ कि उससे ज्यादा स्कोप है. इट्स जस्ट दैट कि आपको देखना है कि मुझे क्या चीज करना आती है, मैं राइट गाइडेंस ले पाऊँ, राइट ट्रेनिंग ले पाऊँ, एंड स्काई इज द लिमिट. इतना स्कोप है आपके. रैप अप करने से पहले रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं. फेवरेट एक्टर शाहरुख खान. फेवरेट एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण. ऑफ कोर्स फेवरेट फैशन डिजाइनर सब्यसाची. अच्छा, हॉबीज क्या क्या हैं? आई लव स्विमिंग, डांसिंग, बैडमिंटन खेलती हूँ मैं. विच इज योर प्रायोरिटी, विच यू लव टू डू इन योर फ्री टाइम? डांसिंग. ओके, यू आर अ गार्डन लवर और अ पेट लवर? आई एम ओकेशन बोथ, नीदर. ओके, थोड़ा थोड़ा सबसे प्यार है. थोड़ा चल जाएगा सब. सब कुछ चल जाएगा. कुकिंग में आप क्या क्या बना लेती हैं? वैसे तो YouTube काफी हेल्प करता है, बट अगर मुझे बिना YouTube देखे बनाना है, so Indian I can cook pretty well without looking at the videos. अच्छा, तो एक लाइन में अपने आप को डिस्क्राइब कर दीजिए तन्वी महेश्वरी. अगर किसी को एक लाइन में डिस्क्राइब करना हो क्या? इट्स डिफिकल्ट, मतलब काफी सारी चीजें हैं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, बट प्रोबेबली आप अपने व्यूअर्स से पूछिए. अच्छा, बोलो क्या डिस्क्राइब. व्हाट योर फ्रेंड्स डिस्क्राइब अबाउट योरसेल्फ? पैशनेट, फन लविंग, अ वेरी जॉली पर्सन. कि वो बोलते हैं ऐसा कि मतलब यू नो इफ यू आर इन द रूम, आप 2 मिनट में भी किसी को बहुत ही फ्रेंडली बना लेते हो और आप इतना इनफॉर्मल फील करते हो कि आपके साथ कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता. बिल्कुल पता ही नहीं चलता है कि कब ये इंटरव्यू खत्म हो गया है, ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा और बात करते हैं. तो बहुत बहुत शुक्रिया तन्वी हमसे बात करने के लिए. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग और यहाँ आने के लिए, लड़की हूँ कर सकती हूँ मैं अपने व्यूज रखने के लिए. तन्वी को देखकर चंद लाइनें मुझे याद आती हैं, मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा. अगले मेहमान के साथ आपसे जल्द होगी मुलाकात, आप बने रहिए द सूत्र के साथ. द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र. आप हमारी खबरें thesootra.com पर भी देख सकते हैं. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं. साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें. यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7000024141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र.